हेलो स्टूडेंट्स सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल क्लास नाइन का एक्सरसाइज टू पॉइंट वन इससे पहले मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर दिया है आप पहले उसको जाके देखिए लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है है ना आई होप आपको समझ में भी आया होगा तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उस एक्सरसाइज को उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस इज आर फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर ठीक है आपको यहाँ पे फाइव पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में राइट right? आपको ये बताना है कौन से पार्ट्स में ठीक है जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल के अंदर है और कौन से में नहीं है ठीक है और साथ में आपको रीजन भी देना है कि वन वेरिएबल में अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट है बेटा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन ठीक है सो एज़ यू नो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है कि हमें जब पता करना हो कि वन वेरिएबल में है या नहीं है ना तो उसमें हम क्या देखते हैं वेरिएबल देखते हैं आप यहाँ देख सकते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको x और यहाँ भी x है दोनों टर्म्स में एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है और कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं तो इट मीन दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ठीक है वन वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया आप इसको पॉलिनॉमियल हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि पॉलिनॉमियल क्या होता है इन विच वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर ठीक है कांस्टेंट शुड बी देयर वेरिएबल शुड बी देयर एंड पावर शुड बी होल नंबर तो आप यहां देखिए एक्स की पावर टू होल नंबर है एक्स की पावर कुछ नहीं है तो हम वन मान सकते हैं वो भी एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल के अंदर भी है सो विल राइट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दिस इज अपॉलिनोमियल दिस इज अपॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल one variable because because of because of having single variable X with power is a whole number. Okay, so this is the reason now सेकेंड पार्ट है अपने पास वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ टू अब देखिए नंबर टू तो एक नंबर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है उसकी पावर होल नंबर है नहीं है डजेंट मैटर एट ऑल हमें सिर्फ वेरिएबल पे फोकस रखना है तो यहाँ वेरिएबल क्या है वाई है और वाई की पावर कितनी है टू दैट इज़ अ होल नंबर ठीक है तो इट मीन्स कि ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर है और पॉलिनोमियल क्यों है क्योंकि वेरिएबल की पावर टू दैट इज़ होल नंबर है ओके सो वॉट विल राइट दिस इज अ पॉलिनोमियल दिस इज polynomial in one variable one variable because because और आप सेम रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग सिंगल वेरिएबल अभी हमने फर्स्ट पार्ट में x लिखा था और यहाँ सिंगल वेरिएबल क्या है y है तो बिकॉज ऑफ द मैं डायरेक्ट करती हूँ इसको बिकॉज ऑफ द सिंगल वेरिएबल y विद पावर वन या विद पावर होल नंबर विद पावर होल नंबर ओके तो इन दिस वे वी कैन स्टेट द रीजन एज वेल नाउ द थर्ड पार्ट इज थ्री इन रूट ऑफ टी अब यहाँ पे बेटा फोकस करने वाली बात है दिस इज रूट ऑफ टी अब रूट ऑफ टी का क्या मतलब है बेटा रूट ऑफ टी का मतलब है कि टी की पावर वन बाय टू है ओके और वन बाय इज नोट अ होल नंबर वन बाय एक होल नंबर नहीं है इसका मतलब हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं ना देखिए वेरिएबल तो आपको वन ही दिख रहा है यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है ठीक है तो वन वेरिएबल में तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है टी पावर शुड बी होल नंबर जबकि आई एक्सप्लेन कि टी पावर यहाँ पे वन बाई टू है तो वॉट विल राइट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज बिकॉज वेरिएबल पावर वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर इज नॉट अ होल नंबर ओके और वेरिएबल क्या है यहाँ पर टी राइट नाउ नेक्स्ट इज वाई प्लस टू बाय वाई ठीक है अब यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल देख, तो एक ही है वाई बट वाई यहाँ पर नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ सो आई कैन राइट वाई प्लस टू वाई पावर माइनस वन ये वाई ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी जबकि हमारी कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल के लिए कि पावर शुड बी होल नंबर तो होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं राइट right? तो आई कैन राइट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर हियर ओके तो विल राइट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर सॉरी बिकॉज वेरिएबल पावर और वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमारा वाई है वेरिएबल पावर इज़ नॉट अ होल नंबर नॉट अ होल नंबर तो हमने रीज़न मेंशन कर दिया नाउ लास्ट है बेटा अपना एक्स पावर टेन प्लस वाई पावर थ्री प्लस टी पावर फिफ्टी राइट अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स हैं वन टू थ्री एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है टी वेरिएबल है है ना तो ये हमारा क्या नहीं है वन वेरिएबल में नहीं है क्या ये पॉलिनोमियल है हाँ ये पॉलिनोमियल है ठीक है बट यहां पे थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड टी और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल राइट तो वट विल राइट दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल this is not a polynomial in one variable because it has because it has three variables x y and t okay i hope you understood clearly now we'll, uh, we are going to discuss question number two, two. question number two i better write the coefficient of x square in each of the फॉलोइंग आपको ये चार पार्ट्स यहाँ पे गिवन है और आपको एक्स स्क्वायर का किसका एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशियंट बताना है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ कॉफिशियंट क्या है कॉफिशियंट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है है ना तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए टू है तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है नेक्स्ट प्लस में एक्स स्क्वायर है ओके एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम वन मान लें तो दिस इज वन इंटू एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा तो विल राइट कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओके नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं सेकेंड पार्ट में देखिए टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जानना है है ना तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले बेटा हम वन लगा सकते हैं क्योंकि वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओ वही आएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि साइन के साथ कंसिडर किया जाता है यहाँ हमने प्लस वन लिखा था फर्स्ट पार्ट में है ना और प्लस को चूंकि मैंशन नहीं करते तो मैंने वन लिख दिया सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे हम कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ओके नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई टू के साथ और प्लस में एक्स है तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई टू सो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू राइट नाउ फोर्थ पार्ट की बात करते हैं फोर्थ पार्ट में आप बेटा देखेंगे ध्यान से तो यहाँ एक्स की टर्म है, है ना यहाँ एक्स है ही नहीं और एक्स स्क्वायर तो इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी हमें गिवन नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो उसका कॉफिशियंट भी नहीं होगा है ना तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो है ना क्यों हमने ऐसा क्योंकि मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकती हूँ ना प्लस में जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए राइट right? क्योंकि जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या हो गया जीरो हो गया या आप ऐसे समझ लीजिए अगर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो कॉफिशियंट हमेशा जीरो होगा ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड अब ये बाई बायनोमियल्स और मोनोमियल्स क्या होते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन है ऑलरेडी बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं और मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है वन टर्म होती है तो हमें बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री थर्टी फाइव होनी चाहिए मतलब जो उसमें वेरिएबल आप रखेंगे उसकी पावर थर्टी फाइव होनी चाहिए मैक्सिमम पावर ओके तो आप अपने मन से कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम बाइनोमियल की बात कर लेते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव देखिए क्या होगा आप कोई भी एक्सप्रेशन अपने आप से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा सेवन एक्स है ना अब क्या मैं सेवन एक्स से लिख के छोड़ दूँ नो no. क्योंकि हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं बेटा मतलब मुझे यहाँ पे एक टर्म और लिखनी पड़ेगी ओके अब इसको मैंने नाइन लिख दिया दूसरी टर्म को ठीक है और मुझे कंडीशन क्या दे रखी है डिग्री शुड बी थर्टी फाइव तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए थर्टी फाइव होनी चाहिए ओके आई होप यू गॉट इट आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया है ना फिर प्लस एक्स लिख दिया प्लस फोर लिख दिया क्या ये राइट right है या रॉन्ग है दिस इज रॉन्ग क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे 35 डिग्री तो बना दी लेकिन टर्म्स कितनी हो गई थ्री हो गई तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाइनोमियल बना रहे हैं और डिग्री 35 बना रहे हैं तो दिस वन इज़ द राइट आंसर ओके ये हमने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है कि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं दिस इज रॉन्ग ओके यहाँ थ्री टर्म्स हो चुकी हैं नाउ नेक्स्ट हमें बनाना है मोनोमियल मोनोमियल अब मोनोमियल में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने मोनोमियल क्या होता है जिसमें डिग्री सॉरी मोनोमियल क्या होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है ठीक है और डिग्री कितनी रखनी है इसकी हंड्रेड रखनी है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख लीजिए जिसमें सिंगल टर्म हो है ना जैसे मैंने लिखा फाइव टी ओके फाइव टी तो ये सिंगल टर्म है राइट इसके प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है तो दूसरी टर्म इसमें है नहीं राइट और मोनोमियल भी है और इसकी डिग्री कितनी बनानी है बेटा हंड्रेड मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर मुझे कितनी रखनी पड़ेगी हंड्रेड रखनी पड़ेगी तो फाइव टी पावर हंड्रेड इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड ओके सो आई होप यू गॉट इट क्लियरली दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोिनोमियल ठीक है इस क्वेश्चन में आपको फोर पार्ट्स गिवन है और आपको इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है अब डिग्री हमें पता है डिग्री क्या होती है हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ओके डिग्री क्या होती है हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अब हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एक्स पावर थ्री है यहाँ एक्स पावर टू है यहाँ एक्स पावर वन है कुछ भी नहीं है तो हम इसको वन मानेंगे तो बताइए डिग्री कितनी हो गई इसकी डिग्री ठीक है मतलब डिग्री मीन्स मैक्सीम पावर ऑफ वेरिएबल तो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमें थ्री तो वॉट इज द डिग्री थ्री ओके नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट फोर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे वाई वेरिएबल है ओके okay. और इस पर पावर कितनी है टू ही है क्योंकि एक ही बार वाई है तो यही इसकी क्या होगी डिग्री होगी अब ध्यान रखना हमें माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है माइनस वन तो इसका कॉफिशियंट है वाई स्क्वायर का ठीक है तो डिग्री कितनी होगी इसकी जो इसकी पावर है डिग्री इज टू राइट नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट फाइफ टी माइनस रूट सेवन ओके तो नाउ यहाँ वेरिएबल क्या है टी और टी पे कुछ भी पावर नहीं है तो हम क्या मानेंगे वन मानेंगे है ना तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है वन है तो डिग्री भी कितनी हो गई वन हो गई डिग्री इज इक्वल टू वन राइट नाउ लेट्स मूव द लास्ट पार्ट थ्री फोर्थ पार्ट में थ्री है मतलब यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है ओके okay? क्या मैं इस थ्री को ऐसे लिख सकती हूँ थ्री एक्स पावर जीरो येस बिकॉज एक्स पावर जीरो इज वन ठीक है तो वन इन थ्री आपको थ्री मिलेगा राइट सो इन दैट केस आई कैन से कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है ज़ीरो है तो बताइए डिग्री भी कितनी हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी ठीक है या आप ऐसे ध्यान रखिए कि अगर कांस्टेंट सिर्फ आ जाता है और हमसे डिग्री जानना चाहे तो उसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि उसमें वो वेरिएबल ही नहीं होता ओके okay? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसमें डिग्री डिग्री कितनी होती है वन क्वाड्रेटिक क्या होते हैं जिसमें डिग्री टू होती है और क्यूबिक क्या होते हैं जिसमें डिग्री थ्री होती है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको राइट right? इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसको जाके देखिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको और क्लियरली समझ में आएगा ना फर्स्ट पार्ट पे आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स राइट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा इस एक्सप्रेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर टू है ओके okay? मतलब इसकी डिग्री टू है तो ये लीनियर तो होगा नहीं तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक क्यूबिक में डिग्री थ्री होती है ठीक है तो ये डिग्री टू वाला पॉलिलोमियल है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप चाहें तो रीज़न भी लिख सकते हैं बिकॉज डिग्री इज बिकॉज डिग्री इज टू ओके नाउ इसकी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की एक्स माइनस एक्स क्यूब तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास थ्री है तो बताइए ये कौन सा हो गया डिग्री थ्री वाला क्यूबिक होता है तो दिस इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल ठीक है और आप रीजन सेम वे में मैंशन कर सकते हैं बिकॉज डिग्री इज थ्री राइट नाउ नेक्स्ट इज वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल वाई है और उसकी पावर टू है है ना मतलब डिग्री जो मैक्सिमम पावर डिग्री क्या होती है मैक्सिमम पावर होती है है ना तो मैक्सिमम पावर टू है डिग्री टू है इट मीन्स ये आपका डिग्री टू वाला पोलिनोमियल है दैट इज अगेन क्वाडरेट्रिक क्वाडरेट्रिक पोलिनोमियल ओके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना और सेम वे में आप रीजन मेंशन कर सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू टू नाउ वन प्लस एक्स यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है एक्स और उस पर पावर वन मानी जाएगी कुछ पावर नहीं है तो वन मानेंगे है ना वन वाला कौन सा होता है डिग्री वन वाला लीनियर होता है तो दिस इज योर लीनियर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल ओके बिकॉज डिग्री इज वन नाउ थ्री टी थ्री टी भी क्या है बेटा टी पे कुछ पावर नहीं है तो वन माना जाएगा तो वन पावर वाला वन डिग्री वाला लीनियर ही होता है तो दिस इज लीनियर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल ओके इसकी डिग्री वन है नाउ आर स्क्वायर यहाँ वेरिएबल आर है और मैक्सिमम पावर उसकी टू है तो डिग्री टू वाला क्वाड्रेटिक होता है तो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज डिग्री टू बिकॉज ऑफ डिग्री टू नाउ सेवन एक्स क्यूब यहाँ एक ही वेरिएबल एक्स और मैक्सिमम पावर थ्री है इसका मतलब ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में जाएगा क्योंकि मैं थ्री पावर वाला क्या होता है क्यूबिक होता है तो दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू थ्री ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें हम एक्सरसाइज टू पॉइंट टू डिस्कस करने वाले हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दैट बाय